लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। भारतीय महानायक शक्तिमान की सच्ची कहानी को कॉमिक्स के रूप में लोगों के सामने जल्द ही लेकर आ रहे हैं भीष्म पब्लिकेशन। सच्ची कहानी? मेरी सच्ची कहानी मुझे अभी तक पूरी तरह नहीं पता, तो ये लोग कहां से लेकर आएंगे कॉमिक्स में? क्यों गीता, ठीक कहा ना मैंने? शक्तिमान के पिता रंजीत सिंह, वो एक आर्मी ऑफिसर थे, मगर अफसोस शक्तिमान के जन्म के कुछ समय बाद ही उसके माता पिता का देहांत हो गया। तुझे गीता चाहिए ना? तो सुन। गीता मेरे पास है, मेरी कैद में। मुझे सचमुच तुम्हारी मदद की जरूरत है शक्तिमान, क्योंकि मैं तमराज किलमिश को मिटा देना चाहती हूँ। और अब देखिए, अंधेरे के साथ गद्दारी, तमराज किलविश के साथ गद्दारी, शक्तिमान को खत्म करने से पहले मैं तुझे खत्म करूंगा, क्योंकि तूने अंधेरे के साथ गद्दारी करने की हिम्मत की है। हाँ हाँ, मैंने हिम्मत की।
क्योंकि मुझे अंधेरे को खत्म करना है तमराज किलविश। तू क्या मिटाएगी अंधेरे को? अंधेरा कायम है और कायम रहेगा। नहीं बच पाएगी तू। अंधेरा कायम रहेगा हमेशा। हजारों सालों से मैं पाप करती आ रही थी शक्तिमान। शक्तिमान, तुमसे मिलने के बाद मैं सच का साथ देना चाहती थी। शक्तिमान, तुम दोबारा मुझे बचाने चले आए? तुम दोबारा क्यों सोचने लगी कि मैं तुम्हें ही बचाने आया हूं? तुम्हारी जगह और कोई भी होता तो भी मैं आता। संकट में फंसे प्राण को बचाना ही मेरा फर्ज है गीता। लेकिन यहां आने के पीछे मेरा एक और मकसद भी था। मकसद? कौन सा मकसद? मैं तिमेरा से अपने बचपन के बारे में पूछना चाहता था। हाँ, वो कह तो रही थी कि उसने बचपन में तुम्हें मारने की कोशिश की थी। हाँ, ऐसा ही कुछ कहा था उसने। असलियत तो मुझे भी नहीं मालूम। उसने तुम्हारा रूप बनाकर मेरे बचपन की कहानी का थोड़ा अंश कॉमिक्स के ऑफिस में भी दिया था। ओह, इसका मतलब शक्तिमान, तुम भी अपने बचपन के बारे में सब कुछ नहीं जानते? बहुत कुछ नहीं जानता, बहुत कुछ नहीं जानता। लेकिन शक्तिमान, मेरे कॉमिक्स के लिए, तुम्हारे कहानी के लिए, मेरा तुम्हारे बचपन के बारे में सब कुछ जानना जरूरी है। मेरा भी जानना जरूरी है। असलियत को मैं भी जानना चाहता हूँ गीता। जिस दिन मैं असलियत को जान जाऊंगा तुम्हें भी बता दूंगा, ये मेरा वादा है। अब चले। गीता आ गई। शक्तिमान गीता दीदी को लेकर आ गया। जयमल, हमें बोला था ना गीता जी आएगा। गीता, तुम आ गई हो? हाँ। गीता, ओ गीता। अच्छा तो मैं चलता हूँ। नहीं शक्तिमान, जाते जाते ये तो बता दो कि तुमने गीता को अपनी बचपन की कहानी बताई है या नहीं, और अगर नहीं बताई है
तो फिर ये कॉमिक्स छपेंगे कैसे? मेरे बचपन की ये शुरुआत जो तिमिरा ने गीता बनकर आप लोगों को सुनाई है, उसे आप फिलहाल भूल जाइए। अपनी कॉमिक्स की शुरुआत आप लोग वहां से कीजिए जहां महागुरु ने पंचभूतों से मुझे शक्तियां प्रदान की थी। ये बात और यहां से आगे की सारी कहानी गीता अच्छी तरह से जानती है। अपने बचपन की कहानी में गीता को बाद में सुना दूंगा, ये मैंने गीता से वादा किया है। थैंक यू। चलता हूं। मुझे स्वयं जब अपने बचपन के बारे में नहीं पता तो मैं उसे क्या बता सकता हूं? कैसी विडंबना से भरा जीवन है मेरा, मुझे अपना बचपन ही नहीं पता। पिछली बार मणि ने मुझे बताया था कि मेरे माता पिता ने मुझे बचाने के लिए दिव्य तलवार से बांधकर मुझे हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया था। लगता है इंजन में आग लग गई है कौशल्या, ये हेलीकॉप्टर कभी भी फट सकता है। हाँ? कभी भी फट सकता है। हाँ, लेकिन क्या हम इसे नीचे नहीं उतार सकते? हमें बच्ची को बचाना चाहिए, हमें बच्ची को बचाना चाहिए। लेकिन कैसे? फिक्र मत करो, ये तलवार इसकी रक्षा करेगी। वक्त बहुत कम है, मुझे बच्चा दो। वक्त बहुत कम है कौशल्या, वक्त बहुत कम है। इस तलवार के सहारे इस बच्चे को मैं नीचे फेंकूंगा, ये तलवार इसे जरूर बचाएगी। नहीं, ये तलवार जरूर नहीं, बचाएगी इसे कौशल्या। तुम फिक्र मत करो कौशल्या, जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। ये तलवार इसकी रक्षा करे, ये तलवार इसकी रक्षा करे। अलविदा। मुझे आगे की कहानी मणि से पूछनी चाहिए। मुझे आगे की कहानी बताइए, उस हेलीकॉप्टर से गिरने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, मेरी जान कैसे बच गई? कृपया मुझे बताइए मेरी जान कैसे बच गई, मेरे साथ क्या हुआ? हेलीकॉप्टर में विस्फोट होने के बाद तुम्हारे पिता रंजीत सिंह और तुम्हारी माता कौशल्या देवी की मृत्यु हो चुकी थी और तुम उस दिव्य तलवार के साथ नीचे गिर रहे थे। परंतु नीचे वन में स्थित रक्षक की दृष्टि में आ चुका था वह शिशु। Yeah!
थे सूर्यांशी त्रिनेत्रेश्वर, जिन्हें उस शिशु की यानी तुम्हारी रक्षा के लिए वन में भेजा था महागुरु ने। उन्हें पहले से आशंका थी किसी ऐसी ही दुर्घटना की। सुंदर, अति सुंदर, इस धरा पर सूर्यांशी त्रिनेत्रेश्वर तुम्हारा स्वागत करता है वत्स। यदि ये दिव्य तलवार नहीं होती तो कदाचित दुष्कर होता तुम्हारे प्राणों को बचाना वत्स, परंतु तुम्हें तो बचना ही था ना। समाज की आवश्यकता जो बनकर आए हो तुम, प्रकृति कभी नहीं छीनने देती तुम्हें समाज से। अब चले वत्स, कहीं तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। तुम्हें सकुशल अपने साथ लेकर चल पड़े सूर्यांशी त्रिनेत्रेश्वर अपने कर्तव्य की ओर। परंतु इतना सहज नहीं होता है एक पुरुष के लिए नवजात शिशु को संभालना। ये सामर्थ्य तो प्रकृति ने केवल ममतामयी माँ को ही दी है। कुछ ही घंटों में परेशान हो गए सूर्यांशी त्रिनेत्रेश्वर। ये क्या कर रहे हो वत्स? मुझे पूर्णतः भिंगो दिया तुमने। मेरे पास बदलने के लिए दूसरे वस्त्र भी नहीं है। अब तुम ये वस्त्रों को बार बार भिंगोगे तो भिंगे वस्त्रों में ठंड लग जाएगी तुम्हें। अरे अरे, रुंदन नहीं, रुंदन नहीं बालक, रुंदन नहीं। मैंने तो यूं ही कह दिया। मुझे कोई कष्ट नहीं, कोई आपत्ति नहीं। तुम मुझे बार बार भिंगो सकते हो, परंतु बालक चुप हो जाओ, शांत शांत हो जाओ, शांत। शायद इसे भूख लगी है। अच्छा 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 अच्छा, हम समझ गए। तुम्हें क्षुधा सता रही है न वत्स? चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। इस सघन वन में मैं तुम्हें माता का दुग्धपान तो नहीं करा पाऊंगा, परंतु तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वन में एक दुग्ध बूटी मिलती है जिसके पत्तों का रस माता के दुग्ध के समान ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। आओ आओ, चलो ढूंढते हैं उस दुग्ध बूटी को। हाँ, परंतु उस वन में कोई और भी था जो सुन रहा था शिशु के रुदन को। अंधेरा, अंधेरा। बच्चा, जंगल में बच्चा, तमराज ने जंगल में बच्चा भेजा। बच्चा, जंगल में बच्चा। कायम रहेगा, अंधेरा कायम रहेगा। बच्चा, जंगल में बच्चा, चलेगा बलि, बलि चलेगा। मेरी सिद्धि कायम होगी, मेरी सिद्धि पूर्ण होगी। बच्चा, बलि चलेगा। नहीं 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 वत्स, शांत हो जाओ वत्स, शांत। अभी मिल जाएगी दुग्ध बूटी। ये लो, मिल गई दुग्ध बूटी। हाँ,
तुम तनिक यहाँ विश्राम करो, हम अभी लेकर आते हैं दुग्ध बूटी को। सूर्यांशी के साथ बच्चा, कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जिसे मार देना चाहते थे तमराज किल्वेश? अंधेरा, फिर तो अंधेरा मुझसे बहुत खुश होगा, इससे दो काम हो जाएंगे, एक तमराज की इच्छा और दूसरी मेरी सिद्धि, दोनों पूरी हो जाएंगी। अंधेरा, अब कुछ ही क्षणों में शांत हो जाएगी तुम्हारी क्षुधा। बालक, बालक कहाँ गए? बालक कोई जंगली पशु तो नहीं ले गया ना बालक को? बालक, हे देव, ये कैसा अनर्थ हो गया मेरे हाथों से? अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा महागुरु को? कौन, आखिर कौन ले गया बालक को? अब मैं कहाँ ढूंढ बालक को? लेकिन मुझे ढूंढना होगा बालक को। इस बच्चे की बलि दूंगा। इस बच्चे की बलि दूंगा, तभी मेरी सिद्धि पूर्ण होगी। अंधेरा कायम रहेगा, इस बच्चे की बलि दूंगा, इस बच्चे की। तभी मेरी सिद्धि पूर्ण होगी। अंधेरा बलि, बलि चलाऊंगा। हाँ निराधम, पिशाच मैं। हट जा मेरे रास्ते से, वरना इस बच्चे के साथ साथ तुझे भी खत्म कर दूंगा। ए मूर्ख, मिटना तो अंधेरे को होगा। अंधेरे को संसार से मिटा नहीं आया है ये बालक, इसलिए मिटना होगा अंधेरे को मिटाने वाले इस बच्चे को। अंधेरा, मिटा दूंगा, मार दूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे।
मारेगा तू पिशाच, निराधम मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। खैर निराधम बलि, निराधम पिशाच नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद त्रिनेत्रेश्वर उस शिशु को साथ लेकर तेजी से चल पड़े हिमालय की ओर, जहाँ निवास स्थान है सूर्य ऋषियों का। परंतु उस वन से बहुत दूर था हिमालय, रास्ते में असंख्य नदी नाले वनों पर्वतों को पार करना था सूर्यांशी त्रिनेत्रेश्वर। त्रिनेत्रेश्वर पहुंच गए हिमालय के गगनचुंबी शिखर पर स्थित सूर्यांशी समुदाय की मुख्य गुफा में शिशु के साथ। वो दिवस किसी पर्व के समान ही था सूर्यांशी समुदाय के लिए। यशस्वी भव पुत्र। सूर्यांशी समुदाय के समस्त स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सब ध्यान से सुने। अंधकार के साथ प्रकाश के जिस संघर्ष की शुरुआत आज से 6000 वर्ष पूर्व आदरणीय श्री सत्य ने की थी, उस अनवरत चलते चले आ रहे संघर्ष को सदा के लिए समाप्त कर देने वाला युग अब प्रारंभ हो चुका है। उस महानायक का जन्म हो चुका है जिसके हाथों समाप्त होगा ये संघर्ष। जिस महानायक की प्रतीक्षा हम 6000 वर्षों से कर रहे थे वो महानायक यही है।
वो महानायक यही है। क्या हुआ वत्स? आगे की कथा नहीं सुननी है? सुननी है, परंतु एक शंका थी। कैसी शंका? जब मैं नवजात शिशु था तब महागुरु ने मुझे महानायक क्यों कहा? क्यों? तुम महानायक नहीं हो वत्स। हूँ, परंतु मेरी शक्ति बचपन से ही तो मेरे साथ नहीं थी। दूसरे आम बच्चों की तरह ही था मैं। मेरी शक्तियां तो कठिन यौगिक साधना के उपरांत ही मुझे प्राप्त हुई है। महागुरु सर्वज्ञ थे वत्स, उन्हें ज्ञान था कि भविष्य में तुम्हें यौगिक साधना से शक्तियां प्राप्त होने वाली हैं। तुम सत्य का युद्ध करने वाले योद्धा बनने वाले। परंतु उन्होंने ये भी तो कहा था ना कि सूर्यांशी समुदाय को 6000 वर्षों से मेरी प्रतीक्षा थी। आखिर सूर्यांशी समुदाय 6000 वर्षों से मेरी ही प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? और उन्होंने यौगिक साधना से मुझे ही शक्तिमान क्यों बनाया? वो मेरी जगह किसी और को भी तो शक्तिमान बना सकते थे। तुम्हारा प्रश्न उचित है वत्स, सूर्यांशियों ने तुम्हें ही क्यों शक्तिमान बनाया? इस प्रश्न के उत्तर के लिए तुम्हें 6000 वर्ष पूर्व की कथा जाननी होगी वत्स। तुम्हें उस भविष्यवाणी को भी जानना होगा जो श्री सत्य ने की थी। श्री सत्य ने क्या भविष्यवाणी की थी उन्होंने? बात उस समय की है जब अपने अंतिम क्षणों में श्री सत्य देह त्याग करने वाले थे। नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो। श्री सत्य महायोगी थे, अपनी मृत्यु का आभास उन्हें पहले ही हो गया था। नैनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्ति। रतः होते ही सूर्य की प्रथम किरणें जब धरा का स्पर्श करेंगी, मेरी आत्मा मेरे शरीर का त्याग करके ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगी। अतएव अब मुझे गहन समाधि ले लेनी चाहिए, ताकि मेरे शरीर से निकली हुई मेरी आत्मा को ब्रह्म से एकाकार होने में कोई अवरोध पैदा न हो। इससे पहले मैं गहन समाधि ले लूं, आप लोगों के मन में यदि कोई शंका या प्रश्न हो तो आप लोग उसका समाधान अवश्य कर लें। हे गुरुदेव, जैसा कि आपको ज्ञात है, गुरु सर्वज्ञ ने कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए जो शक्तिपुंज आपको दिया था, वो शक्तिपुंज का आधा भाग अब तक उस दुष्ट वज्र बाहु के पास है। उस शक्तिपुंज के आधे भाग की शक्ति और कलयुग के प्रभाव ने उस दुष्ट वज्र बाहु को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि आज वो वज्र बाहु संसार में पाप का प्रतीक बनकर किलविश के नाम से जाना जा रहा है। ये क्रम कब तक चलेगा गुरुदेव? हम दुष्ट किलविश से शक्तिपुंज का दूसरा भाग प्राप्त कर पाएंगे या नहीं? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म करो, फल की आशा न रखो, निष्काम कर्म करो, क्योंकि कर्म ही हमारे सामर्थ्य में है, कर्म का फल नहीं। ये कथन कुछ वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन से महाभारत के युद्ध के पूर्व कहा था। आप लोगों को इस कथन को आने वाले युग के मनुष्य का आदर्श बनाना है। अतएव प्रथमतः आपको इस कथन को स्वयं अपनाना होगा। सत्य के जिस महासंग्राम का प्रारंभ हो चुका है,
आप लोगों को उस संग्राम को निष्काम भाव से तब तक लड़ना होगा जब तक मेरा पुनर्जन्म नहीं हो जाता। यहां से सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित हिमतुंग शिखर है। यह शिखर हरियाली से परिपूर्ण वनों के बीच में स्थित है, परंतु यही शिखर रात्रि काल में हिम की तरह श्वेत होकर दमकने लगता है। इसी शिखर पर हर वर्ष शीत काल में किसी भी एक रात्रि में शुभ नक्षत्र आकर ऊर्जा की वर्षा करते हैं। ऊर्जा की इस वर्षा का ये क्रम युग युगांतर तक यहां तब तक चलता रहेगा जब तक ऊर्जा की वर्षा के बीच में एक स्वाभाविक रूप से आई हुई गर्भवती स्त्री के गर्भ से किसी शिशु का जन्म न हो जाए। परंतु एक बात अनिवार्य है, उस स्त्री को इस ऊर्जा की वर्षा के विषय में पहले से कुछ भी ना ज्ञात हो और ना ही वो स्त्री वहां बलात् लाई गई हो। अपितु ऐसा होना सहज नहीं है। कोई भी गर्भवती स्त्री स्वेच्छा से ऐसे निर्जन शिखर पर कभी नहीं जाएगी, परंतु कभी न कभी ऐसा होगा अवश्य। वहां पर उस शिशु का जन्म अवश्य होगा और वही मेरा पुनर्जन्म भी होगा। ऊर्जा की वर्षा के बीच में उत्पन्न होने वाला वही शिशु ही महानायक बनकर समाप्त करेगा सत्य और असत्य के इस महासंग्राम को। और अंततोगत्वा 6000 वर्षों के पश्चात उस हिमतुंग शिखर पर तुम्हारे रूप में श्री सत्य का पुनर्जन्म हो गया वत्स। इसीलिए सूर्यांशी समुदाय को तुम्हारी यानी उस शिशु की प्रतीक्षा 6000 वर्षों से थी। उसके बाद सूर्यांशियों ने तुम्हें वापस समाज में भेजने का निश्चय किया, लेकिन इससे पहले तुम्हारे विषय में श्री सत्य ने भी कहा था अपने अनुयायियों से। उसी रात श्री सत्य ने अपने अनुयायियों से ये भी कहा था, और हाँ, आप लोगों को एक बात का ध्यान और भी रखना होगा। किस बात का गुरुदेव? जिस शिशु के रूप में मेरा पुनर्जन्म होगा, संभव है उस शिशु के माता पिता उस शिशु के जन्म के पश्चात तत्काल ही किलविश के हाथों मारे जाएं। अतएव उस शिशु की सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व आप सूर्यांशों पर ही होगा। उस बालक के बड़े होने तक उसे किलविश की दृष्टि से बचाना होगा आप सूर्यांशियों को। और साथ ही उस बालक का प्रारंभिक पालन पोषण भी सूर्यांशियों के बीच नहीं बल्कि कलयुग के प्रभाव में जी रहे किसी पवित्र विचारों वाले गृहस्थ के घर ही होना चाहिए। यह आवश्यक है, तभी संपूर्ण प्रतिकार कर पाएगा वो बालक पाप का। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा गुरुदेव। और इसीलिए जिस दिन वो शिशु सूर्यांशियों के स्थान पर लाया गया था, उसी रात्रि महागुरु को वशिष्ठ सूर्यांशियों के साथ विचार विमर्श करना पड़ा। जहां इस शिशु का भरण पोषण हो सके, श्री सत्य की आज्ञा अनुसार हमें एक अत्यंत सात्विक स्वभाव के गृहस्थ को ढूंढना ही होगा। परंतु ये इतना सहज नहीं होगा महागुरु। कलयुग पूरी तरह लोगों को अपने प्रभाव में ले चुका है।
इस दशा में ऐसा गृहस्थ जिसके विचार पूर्णतः सात्विक हो कहां मिलेगा? और यदि मिल भी गया तो यह आवश्यक नहीं है कि उस शिशु का लालन पालन पूर्ण व्यवस्थित रूप से हो पाएगा। परंतु ऐसा क्यों आचार्य सन्मित्र? ऐसा इसलिए आचार्य चक्रपाणी कि किसी भी शिशु का उचित भरण पोषण या तो उस शिशु के सगे माता पिता ही कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा दंपत्ति कर सकता है जिसे ईश्वर ने संतान का सुख प्रदान ना किया हो। आचार्य सन्मित्र सत्य कह रहे हैं महागुरु, यदि हमारे प्रयासों से कोई ऐसा गृहस्थ मिल भी गया जिसके विचार पूर्णतः सात्विक हों, तब भी ये क्या आवश्यक है कि वो निःसंतान भी होगा? सचमुच स्थिति विकट है महागुरु। आचार्य, ये कोई पहली विकटता तो नहीं आई है सूर्यांची समुदाय के सम्मुख? 6000 वर्षों से हम विकटताओं का सामना करते आ रहे हैं, लेकिन अब विकटताएं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सत्य और असत्य का संघर्ष अपने अंतिम क्षण में आ पहुंचा है। जिस प्रकार बुझने से पहले दीपक तेज प्रकाश पैदा करता है, वैसे ही ये संघर्ष अपने अंतिम क्षण में आकर बड़ी बड़ी विकटताओं को जन्म देगा ही। अतएव हमें आने वाली समस्त विकटताओं का सामना साहस और धैर्य पूर्वक करना होगा। सात्विक विचारों वाला निःसंतान गृहस्थ हमको मिलेगा या नहीं, ये तो भाग्य के हाथ में है, लेकिन उस गृहस्थ को ढूंढना हमारे हाथ में है। अतएव हमें शीघ्र ही उस गृहस्थ को ढूंढना आरंभ कर देना चाहिए, और ये दायित्व मैं आपको सौंपता हूं आचार्य सन्मित्र। अनुग्रहित हुआ गुरुदेव, परंतु मैं ही क्यों गुरुदेव? यहां पर मुझसे भी श्रेष्ठ जन उपस्थित हैं। आचार्य, उपयुक्त तो आप ही हैं। कथा सत्संग द्वारा देश देशांतर में सद्भावों का प्रचार करना आपका क्षेत्र रहा है। आप नगरों ग्रामों से सर्वाधिक परिचित हैं, अतएव ये दायित्व आप ही निभा सकते हैं, और आपको अपना ये कार्य अभी ही इसी समय से प्रारंभ कर देना चाहिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव।